कोई पुण्य चाहने वाले व्यक्ति हर तरह के पूजा पाठ करते रहे, हर तरह के यज्ञ हवन करते रहे। और न ये केवल एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, साल भर भी ऐसे ही यज्ञ हवन करते रहे तो भी इसका पुण्य इतना बड़ा नहीं होता जितना जो शुद्ध चित्त वाले, जो मार्ग फल प्राप्त श्रोतापत्ति सकितागामी अनागामी अरत, ऐसे शुद्ध चित्त वाले, जो सरल चित्त वाले व्यक्तियों को अभिवादन करने से मिलता है। मतलब ऐसे शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति की जो अभिवादन करता है उसका पुण्य बहुत ज्यादा होता है। बुद्ध कहते हैं साल भर यज्ञ हवन करने से भी ज्यादा शुद्ध चित्त वाले व्यक्ति की अभिवादन करना बहुत ज्यादा पुण्य है। मतलब चौथाई फल के बराबर भी नहीं होता यज्ञ होम करना। इसलिए जीवन में हमें पूजा पाठ से भी ज्यादा आचरण शुद्धि की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। ये बुद्ध के उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस तरह का उपदेश राजगृह नगर के वेणुवन विहार में सारिपुत्र स्थावीर के जो मित्र है उसके कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के सहस्र वर्ग में इस तरह आया हुआ है। यं किञ्चित्तं च हुतं च लोके संवत्सरं यजेत पुण्यपेक्षो सब्बांपि तं न चतुर्भागमेति अभिवादना उज्जुगते सुसैयो। अर्थात पुण्य को चाहने वाला मनुष्य वर्ष भर यज्ञ हवन करे तो भी वो श्रोतापन्न से लेकर छीना श्रव की किसी अवस्था को प्राप्त सरल चित्त व्यक्तियों को किए जाने वाले अभिवादन के चौथाई फल के बराबर भी नहीं होता। साधु, साधु।